Hello students, welcome you all to Eduventures Learning. Today's topic is classification of microbes. We are talking about classification of microbes. This is the second video on the second chapter of Standard 8 taken from NCERT books. So today we are going to talk about viruses, protozoa and algae. ये तीन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोब्स हैं. इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके पहले हमने प्रीवियस वाले वीडियो में ये देखा था कि बैक्टीरिया और डिफरेंट और भी जितने क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रोब्स हैं वो सब कैसे वर्क करते हैं हमारे लिए. सो स्टार्टिंग विथ वायरसेस टुडे. वायरसेस आर अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरसेस जितने भी हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए. सो बेसिकली होता क्या है, जब वायरसेस हम लोगों को कनेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. आप अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हो, राइट? सो कोरोना वायरस के टाइम पे क्या होता है, आप किसी भी सरफेस को छू रहे हो, किसी भी सामान को छू रहे हो जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आप अपने अंदर वो वायरसेस को ले सकते हो आपके टच के थ्रू. इसीलिए हमें बार बार कहा जाता है ना, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिए, हैंड वॉश कीजिए, ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं. किसी भी सरफेस को छूने से, ब्रीद इन करने से, किसी भी जगह पे, ऐसी जगह पे जाने पे जहाँ से वो वायरसेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं. जितने भी माइक्रोब्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो आपको पता नहीं चलता है कहाँ पे वो है कहाँ पे नहीं है. तो ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ने का. दे आर नॉन सेल्यूलर माइक्रोब्स. ऑफकोर्स वायरसेस जो हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये नॉन सेल्यूलर होते हैं. नॉन सेल्यूलर होते हैं जो कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड से बने हुए होते हैं. तीन चीज़ें मिलकर फॉर्म करती हैं वायरसेस, जो कि हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स. दे आर मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. वायरसेस के जो लेंथ हैं या उनकी जो हाइट है या इनका जो वॉल्यूम है वो नैनोमीटर्स में मेजर होता है, जिसका साइज 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर्स तक का हो सकता है. एंड कुड ओनली बी सीन विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और इनको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हैं जो आपका हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनके थ्रू ही आप इतनी छोटी चीज़ों को देख सकते हो जो कि 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर्स तक के होंगे. दे कंटेन द कोर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड्स का है, और न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक प्रोटीन कोट से कवर्ड रहती है. उसके चारों तरफ सराउंडेड है प्रोटीन कोट विच कुड इन्वेड लिविंग सेल्स, जो कि लिविंग सेल्स के अंदर इन्वेड कर सकती हैं. दे आर एक्टिव इनसाइड होस्ट सेल्स एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड देम बाई इन्फेक्टिंग लिविंग सेल्स. ये इनका एक खासियत बोल सकते हो, इनका एक डीमेरिट बोल सकते हो. रिसेंटली अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें तो डीमेरिट ही है कि ये एक्टिव रहते हैं इनसाइड होस्ट के अंदर, मतलब होस्ट के अंदर ये एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड देम, और होस्ट के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं बताऊंगी अभी आपको. बाय इन्फेक्टिंग लिविंग सेल्स, और हमारे अंदर रह के हमारे ही लिविंग सेल्स को डैमेज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं. चलो, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस ओनली. सो कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर आता है, एक्टिव रहता है हमारे बॉडी के अंदर. जब आता है उसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन D3 एंड देन स्टीम ले रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं उसको इनएक्टिव करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर जब आ रहा है, होस्ट की बॉडी में जब आ रहा है, तो वो एक्टिव है. ठीक है, अब इतना एक्टिव है कि वो हमारे अंदर आके रिप्रोड्यूस भी कर रहा है. कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि जब वो हमारे बॉडी के अंदर आया तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं आया था कि वो हमारे लंग्स को और किडनीज को सबको डैमेज कर दे. ठीक है, तो वो हो सकता है एक दो कहीं से हम लोग लेकर आए होंगे,
और हमारे बॉडी के अंदर आके वो इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगा कि धीरे 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 हमारे पूरे लंग्स को, किडनीज को, कई लोगों को तो हार्ट अटैक तक हो जा रही है। तो उस वजह से, क्योंकि ये दिन पर दिन धीरे 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 बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर जाता है, एक्चुअली नॉट धीरे धीरे, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है हमारी ही बॉडी के अंदर, और हमारी ही बॉडी के अंदर रह के रिप्रोड्यूस करके हमें ही इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे ही लिविंग सेल्स को डैमेज कर रहा है। हमारा लंग्स लिविंग सेल्स है तो उसे डैमेज कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वायरसेस जो हैं, ये जो हमने ये पढ़े कि इसका बैड पार्ट क्या है, इसका गुड पार्ट क्या है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट वायरसेस एक्चुअली हमारे लिए रिसेंट में तो हमारे लिए मतलब एक बहुत बड़ा डेंजर सा वर्ड हो गया है, वायरस वायरस वायरस। तो ये वायरस जो है वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत बुरी तरीके से काम कर रहा है, बहुत बुरा अफेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी को। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर आता है, रहता है, एक्टिवली रहता है, रिप्रोड्यूस करता है और हमें ही डैमेज करता है। सो हमारे घर में रह के हमें ही बर्बाद कर रहा है। द नेक्स्ट इज, इतने सारे तरीके के वायरसेस हो सकते हैं। दिस येलो वन लुक्स लाइक कि ये कोरोना वायरस टाइप दिख रहा है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे तरीकों के वायरस है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर्स तक के वायरसेस हो सकते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? दीज आर यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट आर नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स जो हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, ठीक है। जितने भी माइक्रोब्स हैं नॉर्मली सारी के सारे यूनिसेल्यूलर ही हैं, बैक्टीरियाज को छोड़ के। बैक्टीरियाज कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। सो दीज आर यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स इनको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। ये तो ना ही प्लांट्स होते हैं ना ही एनिमल्स होते हैं, ये क्या हैं इनको खुद नहीं पता। ये मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ना ही प्लांट्स में आते हैं ना ही एनिमल्स में आते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि इनका पता ही नहीं है कि ये प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। मोस्टली हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्रोटोजोअन्स बहुत कम देखा गया है। दे रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू बाइनरी फिजन और बडिंग। प्रोटोजोअन्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऑफकोर्स क्योंकि हम लोग जितने भी अभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो यूनिसेल्यूलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इनमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। तो इन लोग बेसिकली जितना भी है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करते हैं अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो प्रोटोजोअन्स बाइनरी फिजन या फिर बडिंग का इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों ही जो है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जानो कि प्रोटोजोअन्स जो हैं इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने बेबीज क्रिएट करने के लिए असेक्सुअल मोड, जिसमें सेक्सुअल रिलेशंस नहीं क्रिएट होता है, सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, वो करते हैं। और बाइनरी फिजन और बडिंग कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते हैं। तो बाइनरी फिजन और बडिंग के थ्रू ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। दीज ग्रुप्स इंक्लूड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट सच एज एल्गे, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सच एज अमीबा, एंड फंगस लाइक सच एज स्लाइम मोल्ड्स। ये प्रोटोजोअन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ग्रुप्स इंक्लूड कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि प्रोटिस्ट जो कि एल्गे के अंदर आ सकता है, एनिमल के जैसे दिखने वाले प्रोटिस्ट भी कर सकते हैं, अमीबास भी आ सकते हैं, फंगस भी आ सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी आ सकते हैं। तो इनके अंदर आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे ग्रुप्स को अपने अंदर इन्वॉल्व या इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटिस्ट सप्लाई सच विथ ऑक्सीजन एंड रिसाइकिल क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स टू मेक इट अवेलेबल टू अदर लाइफ फॉर्म्स। प्रोटिस्ट जो हैं वो हमें ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को एनवायरनमेंट में अच्छे से बनाए रखते हैं। एंड रिसाइकिल क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो जो क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरे जो लोग उसको यूज़ करते हैं, दूसरे अदर लाइफ फॉर्म्स जो उसको यूज़ करते हैं, उनके लिए अवेलेबल रह पाए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपना अपना हर किसी का काम है। जैसे हम लोग अपना कुछ ना कुछ क्वालिटी हो, चाहे मिसमैच थिंग्स हो या फिर कोई गंदी चीज़ हो, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग अपने नेचर को दे रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। सिमिलरली प्रोटोजोअन्स भी
अपना प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन सप्लाई करवाते हैं और बाकी के जो अदर लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी रिसाइकल करके अश्योर करते हैं. इन द गिवन पिक्चर यू कैन सी सम ऑफ द प्रोटोजोअन्स हियर. ठीक है, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम प्रोटोजोअन्स. एज यू कैन सी हियर, इट लुक्स वेरी डेंजरस, इट लुक्स समथिंग लाइक घोस्ट आई गेस. द नेक्स्ट इज एल्गे. एल्गे आप लोगों ने सबने देखा होगा कैसा दिखता है, क्या होता है. एल्गेज आर बेसिकली सीन नदी के किनारे, अगर आप लोग कभी गए हो तो आप देख सकते हो कि एल्गे कैसे दिखता है. ग्रीन ग्रीन कलर का मॉस जैसा, जिसको हम लोग हिंदी में काई बोलते हैं, बिल्कुल वैसा दिखता है हमारा एल्गे. दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. एल्गे भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है एंड हैव अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू बैक्टीरिया. और इनका जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया के जैसा ही दिखता है. कैसा दिखता है? बैक्टीरिया के जैसा. देयर सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया, पर इनका जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया से डिफरेंट है एंड कंटेन्स यूनिक लिपिड्स दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. लेकिन इनके अंदर कुछ यूनिक लिपिड्स होते हैं जो कि इनको इनेबल करते हैं टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में इनको हेल्प करते हैं. Autotrophic organisms having undifferentiated plant bodies are called algae. Autotrophic organism, algae जो हैं हमारे वो autotrophic organism हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. Remember, autotrophic organisms वैसे organisms हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और heterotrophic organisms वो organisms हैं जो कि अपने खाने के लिए दूसरों पर dependent होते हैं, जैसे human beings और animals. हम लोग अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हैं. अगर हमें फूड ग्रेन्स चाहिए तो हम प्लांट पर डिपेंडेंट हैं. फ्रूट्स चाहिए, प्लांट पर डिपेंडेंट हैं. वेजिटेबल्स चाहिए, प्लांट पर डिपेंडेंट हैं. फिश चाहिए, फिश पर डिपेंडेंट है. मीट चाहिए तो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है. एग्स चाहिए तो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है. हम लोग कुछ भी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, हमारा जो बॉडी है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नहीं बना है. हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. अनलाइक इन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं. इनके पास क्लोरोफिल है, ये सनलाइट अब्जॉर्ब कर पाते हैं. इनके पास टोमाटा है. तो बेसिकली जितने भी प्लांट्स के सिवा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. बट एल्गे एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं. Autotrophic organisms having undifferentiated plant bodies are called algae. Algae का definition अगर लिखना हो तो ऐसे autotrophic organism जिनकी plant body जो है वो undifferentiated है are called algae. Algae occur abundantly like grass in aquatic habitats and are also called grass of water. ये जो हैं नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे, beaches में, हर जगह आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब जहाँ पानी है, जहाँ जमा पानी है, जहाँ बहता पानी है, वहाँ पे आपको एक्वेटिक एनिमल्स एक्वेटिक हैबिटेट्स के पास आपको एल्गे ज़रूर देखने को मिलेगा और अबेंडेंटली मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. आप कभी अगर नदी वगैरह गए हो या कभी कहीं ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे पानी का थोड़ा सा भी जमा हुआ चीज़ आपको दिखे तो वहाँ पे आपको एल्गे ज़रूर देखने को मिलेगा, काई ज़रूर देखने को मिलेगा, जैसा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो. ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है, ये पत्थर के ऊपर जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा पार्ट, दिस इज एल्गे. ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज एल्गे, ये दिस आर एल्गे. और हो सकता है ये कि नदी के नीचे जो पत्थर होते हैं उसमें भी होती है. जब आप नदी के अंदर के भी चलो ना तो आपको बहुत स्लिपरी फील होगा बिकॉज ऑफ एल्गे, क्योंकि वहाँ पे जो एल्गे है वो बिल्कुल पानी से ऑल द टाइम कॉन्टैक्ट में है, अंदर है, पत्थर के ऊपर लगी हुई है, तो बहुत स्लिपरी भी होती है. ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट इट. एंड लाइक ग्रास एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर. एल्गे का अनदर नेम ग्रास ऑफ वाटर, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ग्रास कहाँ देखते हैं? सॉइल के ऊपर. लेकिन ये वाला जो है वो बिल्कुल ग्रास की तरह ही दिखता है. ग्रीन ग्रीन होता है, बिल्कुल स्लिपरी होता है, बिल्कुल छोटे छोटे मॉस जैसा होता है. लेकिन क्योंकि वाटर के ऊपर होता है या वाटर से रिलेटेड जगह पे होता है, इसीलिए इनको ग्रास ऑफ वाटर कहा जाता है. आई होप ऑल दीज फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स और
क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स आर क्लियर टू यू. हमने 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में. ये सारी चीज़ें इन डिटेल हमने देख ली है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं और क्या हेल्प करते हैं. ठीक है, यूजफुल भी हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो. तो ऑफकोर्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, और कुछ हमारे लिए फो हैं जिससे हमें एक्चुअली डर के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए. ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किस तरह से वो हमें हेल्प करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग. थैंक यू.